अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है तो वो कैनवा के बारे में है कि कैनवा क्या है और इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे हम अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, कैनवा जो है तो वो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है तो ऑनलाइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल पे इसका ऐप भी मौजूद है। तो इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इधर कैनवा टाइप करना है। अच्छा जी, जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो इधर मुझे ये पहला ही शो हो रहा है कैनवा के नाम से। सही है, तो इस पे तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन आप इस पे अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपके पास अपना जीमेल अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। इस पे आपका बेसिक जो अकाउंट है इस पे क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इसमें प्रीमियम अकाउंट को हासिल करना चाहते हैं फ्री में ही, तो वो भी उसका तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास जीमेल हो तो उससे आप लॉगिन करें। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उधर से लॉगिन कर लिया कैनवा पे, फिर प्रीमियम लेने के लिए आपको इधर गूगल पे टाइप करना है बिंगो टेंगो। अच्छा जी, इधर बिंगो टेंगो पे आपने आ जाना है। बिंगो टेंगो जैसे ही आप दबाओगे तो इधर नीचे आ जाना है आपको। नीचे आते रहना है, आते रहते रहना है। ये रहा कैनवा, इन्होंने इधर कैनवा लिखा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अच्छा जी, जिस तरह अभी ये दूसरा पेज ओपन हो गया, तो इसमें भी आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। ये अभी काउंटडाउन हो रहा है तकरीबन, ये अभी 60 सेकंड रहते हैं। तो ये टाइम गुजरने के बाद हमें इधर एक लिंक मिल जाएगा, तो उससे हम अपना जो कैनवा प्रीमियम है वो ओपन कर सकते हैं। असल में इधर जो लिंक आते हैं तो वो असल में ग्रुप्स के लिंक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा होता है, उसने कैनवा जो प्रीमियम है वो परचेज़ किया होता है, तो हम क्या करते हैं इधर से ये लिंक जब हमें मिल जाता है तो हम उस बंदे के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम उस बंदे के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें कैनवा प्रीमियम जो है वो फ्री में मिल जाता है। लेकिन अक्सर यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो है कि इधर जो है लाइफ टाइम के बारे में के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते या में 1 महीने तक आपको फ्री एक्सेस दे देता है। उसके बाद आप ग्रुप से खुद ब खुद ही बाहर निकल जाते हो। तो इसी तरह जब आप उस ग्रुप से बाहर निकल जाते हो तो आप फिर दोबारा इस वेबसाइट पे आ जाते हैं और इधर से आप दोबारा दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका मतलब कुछ कुछ देर के लिए आपको प्रीमियम जो है वो मिलता रहेगा, तो कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा जी, इस पे मैंने क्लिक कर लिया, अब इसने मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर लिया। तो इधर पर मैं गेट हेयर दबा दूंगा। जैसे ही मैं गेट हेयर दबाता हूँ तो ये मुझे क्या कर लेता है, जो प्रीमियम जो ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने परचेज़ किया होता है, तो इसने मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। सही है, तो जैसे ही मैंने इधर ज्वाइन कर लिया, अब ये देखो मुझे जो है ये सारी चीज़ें मिल गई हैं प्रीमियम की, जो जो भी चीज़ें होती है वो मुझे सब कुछ मिल गई है। इधर जो सबसे अच्छी बात है इनकी, इनके साथ अपना जो क्लाउड स्पेस होता है, तो 1 TB तक इधर आपको क्लाउड स्पेस भी मिल जाता है। इसके अलावा आप जब किसी पिक्चर को आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, उसके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसी तरह छोटे छोटे डिज़ाइंस आप बहुत ही आसानी के साथ मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। तो इधर से आपने ये गॉट इट दबा देना है। अब ये देखो ये मुझे कैनवा प्रो एक एक्सेस मिल गया है। आपने ये चेक किस तरह करना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैं आता हूँ, इधर मैं जो कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोस्टर्स में आता हूँ, सही है। तो ये मैंने पोस्टर दबा दिया, अब मुझे प्रीमियम का किस तरह पता चल गया है कि मुझे प्रीमियम जो है वो एक्सेस हो गया है, तो वो मैं इधर से देखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इस पर ये जो प्रो का वो टैग बना हुआ है, तो अगर मैं इस पे दबाता हूँ तो ये मुझे एक्सेसिबल है, मैं मतलब इसमें मैं अपना कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। अब ये देखिए कैनवा का आसान तरीन तरीका है डिज़ाइन बनाने का, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, इधर से ये डिलीट भी कर सकते हो, वापस भी इसको ला सकते हो, और इसके साथ कुछ और एलिमेंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर से एलिमेंट्स है और इधर फॉन्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं बारी बारी एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आ जाए ना। तो ये देखो मैंने अब ये जो टेम्पलेट था इसको हम असल में टेम्पलेट कहते हैं, तो ये टेम्पलेट जो है तो ये मुझे एक्सेसिबल हो गया है अभी, क्योंकि मैं कैनवा जो प्रीमियम है तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया है, इसकी वजह से मुझे वो एक्सेस हो गया है, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप के पास कोई ईमेल ना हो और आप कैनवा प्रो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर से आपने आ जाना है और इधर आपने लिख लेना है टेम्प मेल EDU, सही है। तो मैं जैसे ही इधर आ गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला ये दूसरे नंबर पर जो है ये टेम्प मेली ये वाला, तो आपको ये इधर भेज देगा, सही है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर एक जीमेल अकाउंट मुझे मिल गया है, तो इसका खासियत क्या है कि आखिर में ये .edu.pl या कुछ और भी लिखा होगा, लेकिन ये .edu अकाउंट मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि कैनवा जो है तो वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, तो ये इनको फ्री एक्सेस देते हैं, और वो उनको वेरीफाई किस तरह करते हैं कि ये स्टूडेंट है या टीचर है, तो उन स्टूडेंट जब और या टीचर जो होते हैं तो उनके पास EDU का अकाउंट होता है, ये आपको अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी मिल सकते हैं, और अगर आपको उधर से ना मिले तो आप इधर से टेम्पररी मेल में फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आप पहली दफ़ा इसको ओपन करोगे तो ये वाली ईमेल अगर यूज़ हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो इसको आप रिफ़्रेश कर लें, सही है। जैसे ये रिफ़्रेश होते हैं तो ये मुझे दूसरा ईमेल दे देता है, तो ये जो ईमेल है तो आपने ये इधर से कॉपी कर लेना है और इधर आपने फिर सर्च कर लेना है कैनवा एजुकेशन, सही है। तो कैनवा एजुकेशन में इधर आपने आ जाना है, तो इधर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आई एम अ स्टूडेंट या स्कूल में हूँ या टीचर हूँ, तो इसमें एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि गेट वेरीफाइड, सही है, मैं एक टीचर हूँ। तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ ये मुझे अब वेरीफाई करेगा कि मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ या नहीं, सही है। तो ये इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने मेल जनरेट किया था तो वो आपने इधर गेट स्टार्टेड पे दबा देना है, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से अभी इधर लॉगिन है तो मैं नहीं कर सकता, तो आपने क्या कर लेना है कि इधर से ये जीमेल जो अकाउंट आपको मिल गया है तो ये आपने कॉपी करके उधर ही कैनवा एजुकेशन में पेस्ट कर लेना है इधर, तो इससे आपको फ्री एक्सेस मिल सकती है। तो ये कुछ दो तरीके थे मैंने आपको सिखाए, इससे आपको उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। इसी तरह मैं कैनवा के बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा कि आप इस पे किस तरह आप बआसानी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत भी नहीं हुई, बस जब इस पे जो सारे एलिमेंट हैं बहुत एलिमेंट इस पे पहले से मौजूद होते हैं, तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चलिए यही था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो आपने इसको लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।